हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। इंडियाज फर्स्ट लग्जरियस हेरिटेज टूरिस्ट ट्रेन जर्नी आज हम देखने लगे हैं। अहमदाबाद से कावड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाती है, मतलब ये एक टूरिस्ट ट्रेन है। इंडिया की पहली लग्जरियस हेरिटेज टूरिस्ट ट्रेन है, मतलब हेरिटेज साइट शायद दिखाती है कुछ इस तरह। हाँ भाई, जो ये टूरिस्ट ट्रेन है और ये अहमदाबाद टू कावड़िया जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहां तक जाती है, तो वो जर्नी लेकर आए। कैसी ट्रेन होने लगी, एक लग्जरियस ट्रेन है, उसका सफर कैसा होने लगा देखेंगे इस वीडियो के अंदर। काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये है इस ट्रेन का लग्जरी डाइनिंग कार। इसको ये देखो, तीन तरह की लाइट्स हैं इसमें। ट्रेन का सेल्फी पॉइंट, छोटी छोटी चीजों का अंदर जो डिजाइन है पूरा वुडन का टच दिया हुआ। ये आ गया भाई अपना हैवी ब्रेकफास्ट। सूरज देवता जी, और क्या खूबसूरत पानी में, इसमें भी पुश पुल टेक्नोलॉजी लगती है। हां जी, किवें हो जी सारे? सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो अभी मैं हूँ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे और आज की जर्नी होने वाली है हमारी ट्रेन नंबर 09409 स्टीम हेरिटेज स्पेशल एक्सप्रेस में। और भाई गाड़ी आने वाली है, वेरी एक्साइटेड। आज मैं इसमें सेकंड टाइम जर्नी करूंगा। वैसे मैंने एक बार इनॉग्रल जर्नी की थी, तब तो बहुत ही मजा आया था। आज देखते हैं कैसी मेंटेनेंस है और फूड सर्विसेज कैसी रहती, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। सामने देख लो भाई, तेजस एक्सप्रेस अपनी वन एंड ओनली प्राइवेट तेजस मुंबई के लिए, और टू वे भी गाड़ी आएगी। बाकी अपने प्रवीण भाई साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, थोड़ा सुस्त है, नींद में है। कैसा है भाई, ठीक ठाक है? तो भाई फाइनली जाकर देख लो भाई, अभी जाके सिग्नल हुआ, गाड़ी वहीं पर ही खड़ी थी बहुत देर से। अब आएगी गाड़ी, फिर अपना कोच है E1, यहीं पर ही लगेगा अपना। चलो जी, ऑलराइट। वाओ वाओ भाई, मैं तो ट्रेन पे हैरान हूँ, क्या ट्रेन है यार, हर जगह आएंगे। वाओ, इसका तो बड़ा यूनिक बटन है। ऊपर बटन सीट नंबर ये वो है, मस्त है यार ना। ये 12, 13, 9 सारी विंडो दे दी। अब यहाँ बैठते हैं, यहाँ दोनों बैठते हैं इधर वाले पे। बैठ चुके हैं अपनी सीट पे। वैसे अभी बाहर अंधेरा है, तो वैसे थोड़ा सा इंटीरियर दिखाया था, लेकिन जब रोशनी हो जाएगी फिर अच्छे से मजा आएगा। लाइटिंग देख लो भाई, लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है। 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन है और लेग स्पेस काफी स्पेशियस है। इधर से आप करेंगे तो ये सीट यहाँ से डिजाइन भी ऐसे किया, उसमें स्टीम भी निकलती है, ऐसा कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। अभी स्टीम निकल नहीं रही है, बट ठीक है, आपको दिखाएंगे तो चलिए आपको एक बार एंड पे लेकर चलते हैं। पीछे क्यों लेकर आया हूँ, रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसका जो सबसे खास है वो है इसका डाइनिंग कार, वो मैं आपको जैसे ट्रे निकलेगी तब इंटीरियर दिखाऊंगा। एंड सेकंड थिंग देख लो भाई, इसमें भी पुश पुल टेक्नोलॉजी लगती है। एक इंजन पिछली वाली साइड है और एक इंजन आपको आगे वाली साइड देखने को मिलेगा। दोनों का जो सिमिलर स्ट्रक्चर है, सब कुछ सिमिलर अच्छा है भाई। तीन कोच की ट्रेन है, तीनों ही लग्जरी कार है और एक डाइनिंग कार है इसमें। प्रॉपर लीजिए भाई, बिल्कुल ऑन टाइम 6:10 में हमारी गाड़ी निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2A से। टूरिस्ट ट्रेन है ना, उसको पहले ऑनलाइन बुक करना तैयार पड़ेगा। और धमाकेदार जर्नी, मतलब इस ट्रेन की जर्नी के लिए मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, सोचा क्यों ना भाई आज ही कवर करते हैं। हालांकि अपने राजा भाई जो श्लोक वो नहीं आ पाया, पता नहीं उसने फोन नहीं उठाया। ऑलरेडी उसे बोला था कि भाई 6 बजे ट्रेन निकलेगी सुबह, तो अभी सो ही रहा है। कोई बात नहीं, एक टिकट वेस्ट होगी अपनी, चलो कोई बात नहीं। अब वेबसाइट टिकट नहीं है, उसको कोई पैसा भी रिफंड नहीं मिलता। अब यहाँ से निकले और सामने खड़ी है अपनी IRCTC तेजस एक्सप्रेस, जो हमें ओवरटेक करके जाएगी। जी सही सुना, इसका ओवरटेक भी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। अंधेरा छट जाएगा, दिन हो जाएगा ना, फिर मजा आएगा। दिन आ रहा है, 6 बजे अभी ऐसा है तो सुबह 6 बजे दूर होगी। ट्रेन निकल चुकी है, बात कर लेते ट्रेन की टाइमिंग की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रेन नंबर 09409 की वीक में सिर्फ 2 दिन चलती है, सैटरडे और संडे को सुबह 6:10 पे, बिल्कुल टाइम पे याद रखना। और लगभग 9:50 पे आप पहुंच जाएंगे एकता नगर यानी कि केवड़िया, और 3 घंटा 40 मिनट लेती है और 180 किलोमीटर कवर करेंगे। इसकी जो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है जितना मुझे पता वो है 75 किलोमीटर पर आवर, ज्यादा तेज नहीं चलती, इसलिए ज्यादा टाइम लेती है।
दूसरी ट्रेन है एक अपनी जन शांति में चलती है, वो इससे फास्ट है क्योंकि भाई लग्जरी डाइनिंग कार भी है इसमें। और इसमें एक और खास चीज़ है वो आपको थ्रू आउट द जर्नी बताऊंगा, आप देखते रहो पूरी वीडियो, बाकी अभी का देख लो फिलहाल ये हाल है। कोच अपना ये है और कोच तो हम मेंटेन, ये नीट एंड क्लीन लग रहा है। और ये देखो भाई चलता है कि नहीं चलता, ये देखो हाँ भाई ये भी सही है, थोड़ा मतलब ये क्लीन होता तो और मज़ा आता। बाकी इसको ये देखो तीन तरह की लाइट्स हैं इसमें, तीन कलर बंद हो जा, ये देखो वाह ये हो गया बंद। जैसे मैंने आपको बताया था इसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल है ना वो 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब इससे ज्यादा तेज इसकी स्पीड नहीं है। हेरिटेज है तो लोग फन करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फोटो कहाँ खिंचवाते हैं वो पॉइंट में आपको जिस तरह और कुछ ट्रेन में देखने को मिलेगा। ये टूरिस्ट ट्रेनों के ऐसे इंजन होते हैं भाई, अब ये हुआ तो इलेक्ट्रिक ही भाई, लेकिन वो जाहिर बात है इंजन का थोड़ा डिजाइन दिया हुआ है ना आपको पता सर्दियाँ आ रही हैं तो ठंडा तो होना ही है। अभी गाड़ी आने वाली है जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस, उसकी क्रॉसिंग दिखाएंगे आपको जबलपुर। बल्कि हमारे एरिया में अभी इतनी ठंड नहीं महसूस हो रही बाहर, लेकिन यहाँ पर ठंड महसूस हो रही है काफी। ये देखो हॉर्न देखो इसका, थोड़ा सा मिस हो गया स्टार्टिंग में यार, नादिया जंक्शन को स्किप करते हुए। आजकल गाड़ी ये वाली ज़्यादा बैक नहीं चलती है, बट आज थोड़ी सी बैक है, लेकिन ये वाला कोच थोड़ा सा खाली है। अब आपको इंटीरियर अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, देखो 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, स्पेशियस काफ़ी अच्छा है, ये रोटेट नहीं होती लेकिन रिक्लाइन अच्छे से हो जाती है, ठीक है। लाइट्स देखो ऊपर, ये देखो बहुत लाइट डिम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और साथ में लगेज स्पेस आप ऊपर रख सकते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पर देख लो, छोटी छोटी चीज़ों का अंदर जो डिज़ाइन है ना पूरा वुडन का मतलब टच दिया हुआ है। लाइट्स देखो कितनी अच्छी है, और इधर देखो ये है विंडो ब्लाइंड, देखो ये अटक जाता है और ये बंद, क्या यार कमाल है। जहाँ आप रोकोगे वहाँ ये आराम से बंद हो जाएगा, और इसको टैप करोगे तो फिर ये ऊपर भी चला जाएगा। कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑटोमेटिक डोर्स हैं यहाँ पर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होगी, कोच नंबर यहाँ पर भी मेंशन है। छोटी छोटी स्क्रीन देखो जो अपने पहले चलते थे स्टीम इंजन्स, उनका यहाँ पर ये सब कुछ अच्छे से लगाया हुआ है। तो देख लो भाई सनराइज हो चुका है अच्छे से अब थोड़ा, और सामने आपको व्यू देखो यार, मॉर्निंग की शुरुआत ऐसी और क्या चाहिए, देखो मज़ा आ गया। ओ देखो आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, वाह गाइस। तो अभी मैं आ चुका हूँ इस ट्रेन की जो सबसे मेन चीज है, वैसे मैंने आपको डाइनिंग कार अभी दिखाना है वो भी बहुत मेन है, लेकिन ये है भाई इस ट्रेन का सेल्फी पॉइंट, और आपको अच्छे से एक बार दिखाते हैं प्रवीण भाई। एसी लगा हुआ है अंदर में, तो यहाँ पर देख लो भाई ये पूरा सेल्फी एरिया है, मतलब मैं देख रहा था काफी बच्चे यहाँ पर बैठे बड़ी देर से, मैं तो वक्त देख रहा था जब खाली मिले, आ हा आराम से यहाँ पर बैठो, आराम से सोफे पे, ऊपर एसी लगा हुआ है ठंडा, और ये देख लो ये रूफ आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं। थोड़ा ही गंदा है लेकिन अभी ट्रेन रुकी हुई है, अपना आनंद जंक्शन आने वाला है उससे पहले रुकी हुई, आपको दिखाता हूँ क्लोज आओ। ये पेंटोग्राफ दिख रहा है आपको, ये देख लो ये पेंटो दिख रहा है, ये है इंजन का पेंटो, ये बना छोड़ा ऊपर वाला मिरर गंदा है, लेकिन यार क्या लग रहा है लोग, आपको कैसा लगा मुझे जब भी आप इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं ना तो ये एरिया में आना, इंजन के बिल्कुल ठीक इधर भी है, और एक आपको सेम एरिया मिलेगा रेस्टोरेंट के दूसरी साइड पे। So, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं माही रिवर, माही रिवर भाई व्यू चेक करो सूरज देवता जी का, क्या खूबसूरत पानी में माही रिवर, तो भाई अपनी गाड़ी को भी रोक दिया है रनौली करके रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपको बता दिया था IRCTC तेजस एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके जाएगी, सिग्नल ऑलरेडी हो चुका है इसका ग्रीन देख लो इस लाइन पे, तो यहाँ से तावड़ थोड़ा भी निकलेगी, उम्मीद है कोई अच्छी रफ्तार हमें 120, 130 या 110 देखने को मिले। वो देखो आपको गाड़ी आती दिख रही है,
भाई ने क्या आ रही तेज रफ्तार में इस रूट पे, शायद इस रूट पे लौटती है तेजस, बड़े फास्ट जा रही है। ये 130 गई है गाड़ी, फाइनली आ चुके हैं भाई इस ट्रेन के डाइनिंग कार में, मूविंग ऑन व्हील्स भाई, चलता फिरता रेस्टोरेंट। तो भाई से फर्स्ट इंप्रेशन पूछते हैं, कैसा लगा भाई? भाई बहुत अच्छा है, लग्जरी है। और भारत गौरव का मेरा वीडियो तूने देखा है? नहीं देखा होगा, वो कर रहा है, देखा है क्या था वो? इसको भाई ये कैमरा अच्छा आया तो इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, कोई नहीं, खाना पीना अपना ऑर्डर करते हैं। मेन्यू मैं आपको दिखाता हूँ और एक बार अच्छे से इंटीरियर भी दिखा देते हैं। ये है इस ट्रेन का लग्जरी डाइनिंग कार, और यहाँ पर देख लो क्या जबरदस्त, आपको मैंने भारत गौरव में ट्रैवल करवाया था तो वो बिल्कुल यूनिक था, लेकिन ये भी भाई टक्कर में है। अगर नॉर्मल पब्लिक किसी को भी ट्रैवल करना है, इस ट्रेन में टिकट बुक करो और इसका ये डाइनिंग कार में आप मजे ले सकते हो। मूविंग यार, मूविंग व्हील्स पे आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा। और देखो सेम टू सेम जैसे वहाँ पर भी कर्टन ब्लाइंड्स हो जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी हो जाते हैं, लाइट्स लगी हुई है काफ़ी अच्छी। आपको मैं जब अंधेरा था ना तब का व्यू आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, तो आप वो व्यू चेक कर सकते हैं। देख लो भाई ये इस ट्रेन का अलग मेन्यू रहता है बिल्कुल। इसमें यहाँ पर देख लो इन्होंने कॉम्बोज बनाए हुए हैं, बेसिकली पोहा उपमा और ब्रेड बटर 140 रुपीज़, फिर थेपला सब्जी ब्रेड बटर लेंगे तो भी 140, आलू परांठा ब्रेड बटर, तो ये अलग अलग कॉम्बोज बनाए हुए हैं। चाय 30, कॉफ़ी 30, जूस पैक्ड आइटम्स भी यहाँ पर डिस्प्ले, जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मौजूद है अपने कैटरिंग मैनेजर, तो सर आपका नेम क्या है? अच्छा, तो थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे ये मेन्यू अपना दिन का है जाते हुए का, आते हुए जो टाइमिंग रहता है रात में, तो रात में भी कुछ रहता है खाने पीने को? सर आते टाइम भी रहता है। क्या चीज़ रहता है? दाल मखनी रहता है और पनीर। अच्छा पनीर और ये सब कुछ रहता है? रेडी टू ईट रहता है। अच्छा रेडी टू ईट वाला रहता है, अच्छा ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी मुझे। एक्चुअली इसमें ज़्यादा लोग नहीं ट्रैवल करते होंगे ना? अच्छा बीफ बहुत कम पैसेंजर है, रीज़न मैं बताता हूँ, शायद जो मेरे को फील होता है इसका किराया थोड़ा ज़्यादा लगता है, मेरे को ज़्यादा लगता है इस कम्पेयर टू, क्योंकि देखो भाई अच्छा इसका फेयर बताया तो लगभग 900 रुपये एक जने का है ना, इसमें कैटरिंग इंक्लूड नहीं है, खाने पीने का आपको अलग से पे करना पड़ेगा, चार्जेबल है वो, चार्जेबल है। तो मेरे हिसाब से यार देख लो आने वाले टाइम में इसमें कैटरिंग इंक्लूड हो जाए ना इसी फेयर में तो बेनिफिट हो जाएगा ना, फिर मैनेज हो जाएगा काफ़ी लोग ट्रैवल कर लेंगे, क्योंकि यार ये लोग भी ट्रैवल करते हैं, मैनेज करते हैं, इनका भी खर्चा होता है, आपका खर्चा भी मेरे ख्याल से पता नहीं निकलता है निकलता है ना, क्योंकि आज ही ज़्यादा रश है, वैसे तो रश नहीं होता ना, इसलिए हफ्ता तो कभी कभी वीकेंड्स पे कभी कभी मिल जाता है जब छुट्टियां ज्यादा हो ना। चलो कोई नहीं, आप ऐसा करते हैं एक बार सब कुछ ऑर्डर करते हैं, भैया को बोल दिया है, एक बार सब कुछ टेस्ट करके बता देंगे कैसा है, बाकी चाय कॉफी भाई से पूछते हैं। तो जी यहाँ पर आ चुकी सबसे पहले अपनी एक कॉफी और एक चाय, प्रेजेंटेशन देख लो भाई, जैसे आप प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल किए उसके एग्जीक्यूटिव में ट्रैवल करते ना वही ट्रे में दिया हुआ, साथ में माई फेवरेट बिस्किट यूनिबिक का। चलिए कॉफ़ी तो भाई की अपनी, प्रवीण भाई की, चाय अपनी है। सबसे पहले अपने नाश्ता आ रहा है उससे पहले चाय आ चुकी है, चाय का टेस्ट देखते हैं। लेकिन हमारा माय फेवरेट बिस्किट भी का ट्राई करके देखी कैसी है? बढ़िया है भाई। देखो ये एक्सपीरियंस मैं तो कहूँगा जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पर आओ, चाय कॉफ़ी इंजॉय करो, खाने पीने का भी टेस्ट बताएंगे कैसा है। चाय तो मस्त लग रही है और अच्छी सर्विस भाई, यहाँ पर बनाई लग रही है, यहीं पे बनाई है ना चाय? नहीं ये 30 रुपए की चाय बिल्कुल रीजनेबल है, अभी पता लग रहा है जैसे आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हैं साइज नहीं है प्रीमियम ट्रेन में। अगर आप थोड़ा ऐसी प्रीमियम जगह भाई कलर ही देख लो आप, मजा आ गया, लेकिन अभी थोड़ी सी नहीं पियेंगे बचा के रखते हैं। यहाँ पर अपना आ चुका है ब्रेकफास्ट, अभी प्रॉपर शायद एक ऑर्डर अपना और रहा है, 3 सारी मंगवाई है और आपको अच्छे से दिखाएंगे, टेस्ट भी बताएंगे ना। ये आ गया भाई अपना हैवी ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ ऑर्डर कर दिया जितना भी मेन्यू में था, चाय कॉफी का टेस्ट ऑलरेडी आपको बता दिया, अब देखते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं और टेस्ट बताते हैं। सब कुछ गर्म है, तो यहाँ पर हमें आउटर पे रोक दिया है और ये अपना एक और ओवरटेक पड़ गया क्योंकि हम बिफोर चल रहे हैं वैसे, तो ये गाड़ी कौन सी है? अच्छा मुंबई अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस, मैं ऑलरेडी इसमें ट्रैवल कर चुका हूँ। चलिए भाई सबसे पहले टेस्ट करते हैं अपना पोहा और उपमा, यहाँ पर एक्चुअली सब लोग बैठे हैं तो थोड़ा शोर ज़्यादा है, तो सबसे पहले देखते हैं उपमा कैसा है भाई, बिल्कुल गर्मा गर्म था। ये देखो भाप पता नहीं दिख रही है, वाह अच्छा है, थोड़ा स्वीट है ये, मतलब थोड़ा गुजरात में लोग थोड़ा स्वीट टच खाते हैं,
टेस्ट में काफी बढ़िया है। क्यों मीठा नहीं होता उसमें? पोहा देख लेते हैं, हमने कभी खाया नहीं है। भाई मेरे मतलब का बिल्कुल, मुझे तीखा पसंद नहीं है, बिल्कुल तीखा नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी एज का बंदा खा सकता है इसको आराम से। बाकी ब्रेड बटर का तो क्या ही रिव्यू दूं, कटलेट होता ना और मजा आता है। ये पता नहीं ब्रेड है ये, ब्रेड बटर साथ में बटर दिया और फ्रूट्स भी दिए हुए हैं, फ्रूट्स नहीं अभी खाएंगे। और लगे हाथ ऐसा करते हैं इसको भी टेस्ट कर लेते हैं थेपला। आपको पता भाई गुजरात में आ रहे हैं मुझे इस तरह के तो भाई थेपला तो बनता है। और ये देखो कटलरीज देखो जैसे एग्जीक्यूटिव में देते हैं, ये शायद थोड़ा सा तीखा हो सकता है। बहुत अच्छा वो है ना बर्तन बड़े अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लेकिन तीखा बहुत है, बहुत दिखे मजा आ गया। मिर्ची गुजराती लगता है ज्यादा खाते हैं हां भाई। तो भाई यहाँ पर गाड़ी पहुंची वडोदरा। ये देख लो ये इसका एरिया हो गया। एक बार वॉशरूम में आपको दिखा देता हूँ, तो ऐसे कुछ है भाई इसके अंदर वॉशरूम, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा। सोप रखा हो, पानी आ रहा है। थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मैं वडोदरा ही उतर रहा हूँ, रीजन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो पानी हो गया, खाना पीना कर लिया अपने, लेट्स गो। यहीं से उतरता हूँ, परवीन लगेज ले आएगा। और ये डाइनिंग एरिया में ना आपको यहाँ पर मिरर और हैंड वॉश के लिए भी जगह मिल जाएगी। इतना प्यारा कसम, चलो भाई उतरे। मैंने सोचा एक बार डिपार्चर आपको दिखा देते हैं। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म भाई, उतर गया यार। मैं क्या बोलूं, ट्रेन सच में बहुत प्यारी, सच में प्यारी, बहुत ही एक कमाल की धमाल तरह की प्यारी। अच्छा यार इंडिया में मैंने बात एक नोट की है यार, इस इंडिया में मुख्तलिफ तरह की इस तरह की ट्रेनें चल रही हैं जो मतलब टूरिस्ट के लिए स्पेशल है। टूरिस्ट की बहुत सारी ट्रेन है यार। अब ये भी देखो, अब ये भी कितनी कमाल थी इस तरह की। और तो फिर बंदे और तो बहुत अप लेवल की भी है, लेकिन ये है कि मिडिल क्लास बंदा इस ट्रेन में इजीली जा आ जा सकता है। सही बात है, आसानी से आ जा सकता है, एक लग्जरी फील अपना जी सकता है। 30 रुपए का पहले हमने कहा कि इंडिया में 10 रुपए का भी होता है, 5 का भी, लेकिन कप का साइज देखा और उसकी क्वालिटी चाय की देखी तो फिर वो 30 रुपए बहुत रीजनेबल प्राइस थी। और यार बहुत ये खाना 140-140 रुपए में कुछ नहीं है यार, ये पाकिस्तान में इतने महंगे महंगे होते हैं मैं आपको क्या बोलूं। लेकिन यार देखा जाए जिस भी लिहाज से देखो ना, इंडिया का रेलवे सिस्टम हर तरह से यार कमाल से बहुत है। एक एक चीज का फोकस करा हुआ है, एक एक चीज का मतलब उन्होंने सोचा हुआ है, जो सुविधाएं हैं उनका एक एक सोचा हुआ है, मतलब जो लोग हैं उनके मुताबिक सुविधाएं भी दी गई हैं और एक अच्छी सुविधाएं दी गई है। सही बात, सही तो आपको गाइस कैसा लगा ये जर्नी, इस ट्रेन में कभी बैठे हो तो बताना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।